कहेंगे क्या? मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अचानक से इस तरह का हमला हो जाएगा, बस मैं अपील करूंगा अपने साथियों से, देश भर में हमारे साथी हैं, हमारे समर्थक कार्यकर्ता हैं, कि वो शांति बनाए रखें। हम आगे की सारी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, ये गोली की भाषा हमारी नहीं, तो बस मैं उनसे अपील करूंगा कि वो शांति बनाए, कल त्योहार भी है, तो शांति बना के शांति के माहौल में रहें। उनका उनका प्यार और करोड़ों माओ बहनों का आशीर्वाद है कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं ठीक हूँ, और मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो शांति बनाए रखें। मुझे उम्मीद है कि वो मेरे विश्वास पे खड़े उतरेंगे और शांति बना के रखेंगे। तुम लोगों क्या कहेंगे जिन्होंने? मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरा किसी को झगड़ा नहीं है, मैं अपने महापुरुषों की विचारधारा के लिए काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आगे बढ़े, बाबा साहब कांशीराम साहब का दूसरा सपना पूरा, मैं उसके लिए जारी लगा रहूंगा, मैं गोलियों से नहीं डरने वाला, लेकिन मैं अपने साथियों से आज अपील करूंगा कि वो शांति बनाए रखे, मुझे उनसे उम्मीद है, हम संविधान को मानने वाले लोग। कुछ कह नहीं सकता, मेरी सिर्फ मेरा व्यक्ति किसी को लड़ाई नहीं, कुदरत उनको सद्बुद्धि दे जिन्होंने ऐसा, अगर मुकदमा दर्ज लीगल का वो नहीं होता तो मैं मुकदमा भी दर्ज नहीं कराता, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। शेखर जी, जो हमारे यहाँ आईसीयू में हमने उनको भर्ती किया है वो बिल्कुल ठीक हैं, उनका हमने डिजिटल एक्सरे भी करा लिया है, अल्ट्रासाउंड भी करा लिया है, और पूरा हमने देख लिया है कि पेट के अंदर कोई भी ना तो कोई गोली है ना कोई छर्रे हैं, और एक हमने डॉक्टरों का पैनल बना दिया है जिसमें फिजिशियन भी हैं, सर्जन भी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं, और मैं खुद इस चीज़ को लगातार देख रहा हूँ उनकी कंडीशन को, और इस समय बिल्कुल स्टेबल हैं, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर उनका फ्लक्चुएट कर रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी एंग्जाइटी है तो ये चीज़ें हैं, और बिल्कुल ठीक है, कोई स्वस्थ हैं, ऐसा कोई घबराने की हमें तो स्थिति नहीं लग रही है कि ज़रा भी उनके कंडीशंस में थोड़ी भी गिरावट हो, ऐसा नहीं है, वाइटल्स बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यही है कि हम भीड़ से लगातार ये गुजारिश कर रहे हैं कि उनसे मिलने वाले जो भी लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो कम से कम आएँ ताकि उनको आराम मिल सके, ये हम भीड़ से गुजारिश करें। जो घाव है सर उसमें क्या लगता है कि गोली या नहीं? घाव जो है वो बहुत ही सुपरफिशियल है, छू करके निकल गई है, यदि गोली भी होगी तो छू करके निकल गई है, लेकिन पेट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो अभी प्रथम दृष्टया आपको क्या लग रहा है कि स्थिति नॉर्मल हो जाएगी? हाँ, हमें प्रथम दृष्टया तो यही कि पूरी तरह से नॉर्मल है, स्वस्थ है, और ऐसा नहीं लगता कि हमें कहीं भी उनको रेफर करना पड़ेगा, फिलहाल बिल्कुल ठीक है, हम लगातार स्थिति पे उनको वॉच कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं।